वर्जन्स एक शॉर्ट फिल्म है जो संदीप वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं. संदीप वर्मा इज द डायरेक्टर मंजुनाथ. एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया फिल्म थी. वेरी क्रिटिकली एक्लेम. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक लॉट पीपल सॉ इट इन द बॉक्स ऑफ इन द थिएटर, बट बाद में केबल वेल जब आए तो काफ़ी चर्चा और काफ़ी तारीफ हुई. सो इट्स डायरेक्टेड बाय हिम एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म. इट्स मेंट फॉर टुडेज़ यूथ और मुझे लगता है कि लोग कनेक्ट करेंगे इसके किरदार से और इस स्टोरी इस कॉन्सेप्ट से. तो हमारे समाज में प्री मैरिटल सेक्स इज़ यूजली नोन एज अ बैड थिंग. कि हम प्री कंडीशनड हैं कि इवन अगर आप सबकॉन्शियसली आप सोच भी नहीं हो रहे इसके बारे में कि लड़के पूछते लड़कियों से कि शादी से पहले कि आर यू अ वर्जिन. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ प्रेविलेंट इन आवर सोसाइटी. तो हम उसको कैप्चर कर रहे हैं कि लड़की पे क्या गुजरती है जब ये सवाल पूछा जाता है. बिकॉज आज के डेट में शायद सब वर्जिन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं रहा. वो दौर अलग है, वो दौर कुछ और था जब ये चीज़ें कहलाई जाती थी. तो इट्स अ न्यू एज एंड वी ट्राइंग टू कैप्चर दैट ओनली. पिया जी के साथ मेरी बेहतरीन केमिस्ट्री है. हमने एक फिल्म की हुई है साथ में लाल रंग करके, तो हमने काम किया है और लाल रंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट शूट था. हमने करनाल में शूट किया गर्मियों में, 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट करते थे. और मेरी तीसरी चौथी फिल्म थी, पिया की पहली हिंदी फिल्म थी. साउथ में काफ़ी काम किया उन्होंने. तो वी बिकेम वेरी क्लोज, वी आर वेरी डियर फ्रेंड्स. आई लव वर्किंग विद हर. और वो एक्ट्रेस भी कमाल है. तो आई थिंक व्हेन यू हैव अ गुड एक्ट्रेस ऑपोजिट यू और अ गुड एक्टर ऑपोजिट यू, यू डू बेटर. तो आई होप वी डू मोर फिल्म्स टुगेदर. एक्चुअली देवेंद्र और मैंने काम नहीं किया साथ में इस फिल्म में. कोई सीन नहीं है सच. हम अलग अलग, हम दोनों पिया जी को चेस कर रहे हैं तो थोड़ा अलग अलग है. तो आई हैव नॉट वर्क टू देम बट इज अ वेरी गुड एक्टर. इस फिल्म में हमने दहनु में शूट किया. दैट्स नॉट रियली एन आउटडोर बट अच्छी जगह है, खूबसूरत है, बीच बीच है. रिजॉर्ट में कमरा बुक किया गया था तो काफ़ी इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ वेकेशन. तो आई थिंक दहनु दोबारा जाना चाहिए दोस्तों के साथ. आज की डेट में मुझे लगता है कि चॉइस बहुत ज़्यादा है, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा है. और आप कैसे चूज़ करते हो, आप देखते हो कि एक्टर कौन है उसमें, फिर आप सोचो डायरेक्टर कौन है इसका. बट रियली व्हाट मैटर्स इज द कंटेंट एंड एवरीबडी नोज दैट. मुझे लगता है आज की ऑडियंस भी ऐसे सोचती है. तो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा टीजर से या ट्रेलर से, देखें, शेयर करें, लाइक करें ताकि और ज़्यादा चीज़ें इस तरह की बने. तो मेरी दो फिल्में हैं. एक है गुड़गांव जो जार पिक्चर्स की फिल्म है, नील बट्टे सन्नाटा के जो प्रोड्यूसर थे, जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई थी. फिर एक फिल्म है बॉम्बेरिया, ब्यूटिफुल बे एंटरटेनमेंट. इट्स अ लंडन बेस्ड कंपनी, उन्होंने फिल्म बनाई है. उसमें मैं हूँ, राधिका आप्टे है, सिद्धांत कपूर है, आदिल हुसैन है, रवि किशन, तो काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं. और अभी हाल फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ अक्षत वर्मा की डेब्यू फिल्म है. इज़ द डायरेक्टर, इज़ द राइटर ऑफ डेली बेली एंड ही इज़ डायरेक्टिंग हिज फर्स्ट फिल्म. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट.